कालीबाग में कल सुपुर्दे खाक होगा माफिया मुख्तार अंसारी, गाजीपुर लाया जा रहा है शव। मुख्तार की मौत पर सरकार का बड़ा आदेश, मौत की होगी न्यायिक जांच। एक महीने में सौंपी जाएगी न्यायिक जांच की रिपोर्ट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह करेंगे मामले की जांच। बांदा अस्पताल में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम पूरा हुआ, बेटे ने की थी दिल्ली एम्स डॉक्टरों से पोस्टमार्टम की मांग। 5 डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम, उमर अंसारी और एक पुलिस अधिकारी भी पोस्टमार्टम रूम में मौजूद रहे। बेटे अब्बास अंसारी की पेरोल याचिका पर हाईकोर्ट में नहीं हो पाई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालने की तैयारी। मुख्तार के जनाजे में शामिल हो सकती है अफशा अंसारी, पिछले एक साल से अफशा अंसारी चल रही है फरार, सूत्रों से खबर। बाराबंकी कोर्ट में मुख्तार के वकील की अर्जी, बांदा जेल प्रशासन पर एफआईआर की मांग, वीसी से पेश हुए जेल अधीक्षक। मुख्तार के परिवार से आखिरी बातचीत का ऑडियो आया सामने, मौत से पहले मुख्तार ने परिवार से की थी बात। कल दोपहर 3:30 बजे बेटे से मुख्तार ने की थी बात, उमर अंसारी ने दी जानकारी, कहा वो बहुत तकलीफ में थे। मुख्तार अंसारी का परिवार भी मौत पर उठा रहा सवाल, बेटे उमर ने पिता को जहर देकर मारने का लगाया आरोप। मुख्तार के छोटे बेटे उमर ने कोर्ट जाने की कही बात, कहा प्रशासन पर नहीं है भरोसा, कोर्ट जाएंगे। मुख्तार अंसारी के भाई का बड़ा आरोप, 18 मार्च से मुख्तार की तबीयत खराब थी, बार बार कहने के बावजूद भी नहीं दिया गया इलाज। मौत पर ओवैसी ने भी उठाए सवाल, कहा सही से इलाज नहीं होने के कारण हुई मौत। मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश ने किया पोस्ट, लिखा यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो जांच। मुख्तार की मौत को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया साजिश, कहा कोर्ट की निगरानी में हो घटना की जांच। अखिलेश के बयान का विरोध, केसी त्यागी ने कहा समाजवादी पार्टी के अंदर तक घुस चुका था मुख्तार, इसीलिए वो कर रहे हैं बचाव। 2004 में मुख्तार को पकड़ने वाले पूर्व डीएसपी का दावा, जेल में डर से गई मुख्तार की जान, विपक्ष बंद करे माफियाओं पर सियासत। मौत पर सवाल उठाने वाले पर नकवी ने विपक्ष को घेरा, कहा अखिलेश हो या ओवैसी, जो सवाल उठा रहे वो सांप्रदायिक तड़का लगा रहे हैं। मुख्तार की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट, पूरे यूपी में धारा 144 लागू, कई जिलों में भारी पुलिस बल तैनात। बलिया में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट, सीआईएसएफ के जवानों ने निकाला मार्च। माफिया मुख्तार की मौत के बाद मस्जिदों में भी सुरक्षा का कड़ा पहरा, मऊ और गाजीपुर में एसटीएफ को किया गया अलर्ट। लखनऊ प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, छावनी में तब्दील हुआ बांदा शहर। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर, अफवाह फैलाने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई, यूपी पुलिस का सख्त निर्देश। मुख्तार की मौत के बाद आजमगढ़ में भी अलर्ट पर प्रशासन, सोशल मीडिया पर रख रही है नजर। मऊ में भी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर होगी कार्रवाई, अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर। मुख्तार की मौत पर बोले कृष्णानंद राय के भतीजे, कहा गाजीपुर के लोगों में आज खुशी है। राजूपाल हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा। राजूपाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों को कोर्ट ने पाया दोषी, कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को सुनाई सजा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा कांग्रेस को इनकम टैक्स का मिला नया नोटिस। अजय बाकर ने इनकम टैक्स पर साधा निशाना, कहा इनकम टैक्स को कांग्रेस की कमियां नजर आती हैं, बीजेपी का टैक्स घोटाला नजर नहीं आता। केजरीवाल की पत्नी ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान किया लॉन्च, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया। सुनीता केजरीवाल ने सरकार पर भी बोला हमला, कहा उन्होंने तानाशाही सरकार को ललकारा है, हम साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। लोगों से अरविंद केजरीवाल के लिए मैसेज करने की अपील की, सुनीता केजरीवाल ने कहा आपका एक एक मैसेज केजरीवाल तक पहुंचाऊंगी। केजरीवाल के फोन पासवर्ड को लेकर के बोली आतिशी, कहा पासवर्ड ईडी को नहीं बीजेपी को चाहिए, आम आदमी पार्टी का चुनावी रणनीति जाना चाहती है बीजेपी। 31 मार्च को दिल्ली में आईएनटीआईए गठबंधन की महारैली, गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में जुटेंगे कई बड़े नेता। केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ आईएनटीआईए गठबंधन का हल्ला बोल, उद्धव और आदित्य ठाकरे भी होंगे शामिल। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार बदलने पर लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर होगी कार्रवाई। बिहार में आईएनटीआईए गठबंधन में सीट बंटवारे पर लगी मुहर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन ने की सीटों की घोषणा। बिहार में 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी, कांग्रेस को मिली 9 सीट, वाम दलों के खाते में 5 सीट। पप्पू यादव की नाराजगी पर बोले मनोज झा, कहा यह दलों का गठबंधन है व्यक्तियों का नहीं। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बोले संजय राउत, कहा महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग हो गया है, गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के साथ पीएम मोदी ने की मन की बात, एआई यूपीआई को लेकर और पर्यावरण को लेकर हुई चर्चा।
जम्मू कश्मीर के रामबन में हाईवे पर भीषण हादसा हुआ, गहरी खाई में गिरी टैक्सी, 10 लोगों की जान गई। पीएम मोदी ने रामबन हादसे पर जताया दुख, मुआवजा राशि का किया ऐलान, मृतक के परिजनों को दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए। स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने कहा इस फिल्म को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत। भारत में न्यूज फीचर बंद करेगा फेसबुक, अफवाह को लेकर हुई आलोचना के बाद ये बड़ा फैसला। बहराइच में ऑटो को बचाने के चक्कर में बड़ा हादसा हुआ, दीवार को तोड़ते हुए मकान में घुसी ट्रैक्टर ट्रॉली।